प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित किया। भाजपा के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस सभा की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी यहां खुली जीप में कार्यकर्ताओं के बीच होते हुए मंच तक पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहाँ के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहाँ के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है। इस दौरान महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं भी संपन्न हुई। ये 5 यात्राएं मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख इलाकों से निकाली गई थी। इन यात्राओं ने कुल मिलाकर 10,800 किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान 1 करोड़ से अधिक लोगों के साथ संपर्क किया गया। इन यात्राओं के साथ मध्य प्रदेश के मन में मोदी नामक सदस्यता अभियान चलाया गया जिसमें 25 लाख से अधिक नए सदस्य पंजीकृत किए गए।